विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय आदर्शनगर जालंधर में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का शुभारंभ आदरणीय राजयोगिनी बीके संधीरा बहन माउंट आबू से बीके वेणुगोपाल भाई डॉक्टर अलोक ललवानी पूर्व प्रधान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जालंधर प्रोफेसर डॉक्टर शिवानी पिम्स डॉक्टर निशा गांधी डॉक्टर विशाल गांधी और पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर आर एल वसन ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर बीके वेणुगोपाल ने कहा कि हम बाहरी शरीर की स्वच्छता पर तो ध्यान देते हैं लेकिन शरीर की भीतर से सफाई ठीक से नहीं करते। उन्होंने कहा कि शरीर की शुद्धिकरण प्रक्रिया यानी डिटॉक्सिफिकेशन संपूर्ण आहार योगासन मेडिटेशन से हम बहुत सी बीमारियों से मुक्त रहते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर वसन ने कहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाती है और इस वर्ष का थीम हेल्थ फॉर ऑल रहा। अंत में आए हुए विशिष्ट मेहमानों को संधीरा बहन और बीके वेणुगोपाल भाई ने ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। माइक्रोबायोलॉजिस्ट मींस जो टेस्ट करते हैं जो कोविड है इन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो कोविड के टेस्ट हैं या जितने भी इन्फेक्शन के रिलेटेड टेस्ट हैं वो सब हम करते हैं। सो आज हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे जैसे सर ने बताया डॉक्टर बसन ने बताया कि हेल्थ फॉर ऑल के लिए दैट मीन्स फेयरर हेल्थ एंड हेल्थियर वर्ल्ड। सो उसमें हेल्थ इज वेलबींग इन टोटैलिटी फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल एंड सोशल। So, जब ये सब कुछ आ जाता है तो इसका मतलब हम सब इन्वॉल्व हैं उसमें। So, I saw a lot of difference in him. He was very calm here. और इतने ज़्यादा चेंज थे ना तो I was very impressed. So, thank you sir कि आपने यहाँ। और दूसरी चीज़ वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर तो मैं ये कहना चाहूँगी जैसे सब ने आज बहुत अच्छा अच्छा बोला है तो मेन चीज़ तो प्रिवेंटिव है। तो जैसे वेणुगोपाल भाई ने बोला है तो मेरा ख्याल है कि हम लोग सब यहाँ पे अपना मेंटल लेवल पे स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत अच्छा काम कर लेते हैं क्योंकि बाबा ने हमें सबसे बड़ी चीज़ बताई कि अपनी थॉट के ऊपर काम करना है संकल्प के ऊपर काम करना है। कोशिश करेंगे और आज के इस वर्ल्ड हेल्थ डे को सफल बनाएंगे। तो वैसे कहा जाता है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अगर हेल्थ अच्छी है तो वेल्थ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। अगर हेल्थ और वेल्थ ठीक है तो हैप्पीनेस अपने आप आ ही जाएगी। जैसे बोलते हैं ना पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो लेकिन हम क्या करते हैं खुशी के लिए बहुत मेहनत करते हैं पैसा कमाते हैं और अपने शरीर को भी हम टाइम नहीं देना चाहते हैं और उससे क्या हो जाता है हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। हेल्थ खराब हो जाती है तो वेल्थ वेल्थ जो थोड़ा बहुत इकट्ठा भी किया वो उसमें हमारा नष्ट हो जाता है। तो फिर हैप्पीनेस टोटली जीवन से आश्रम में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया जिसमें हमारे मुख्य अतिथि मधुबन से बीके वेणुगोपाल भाई जी डॉक्टर अलोक ललवानी पास्ट प्रेसिडेंट IMA और डॉक्टर शिवानी फ्रॉम पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और हमारे आदरणीय संधीरा दीदी जो इस आश्रम की संचालिका थी उन्होंने अपने वर्ल्ड हेल्थ डे पे अपने विचार रखे और उन्होंने बताया कि हमें मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से और स्पिरिचुअल रूप से भी अपने आप को स्वस्थ रखना है तभी हम पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। और उन्होंने इस मौके पर अपने खान पान को सही रखने के लिए और अपनी जो रहन सहन है उसको भी सही रखने के लिए लोगों से अपील की और राजयोग मेडिटेशन से भी उन्होंने कहा कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं।